प्यारे बच्चों, मैं लेफ्टिनेंट अनामिका खरवार, लेक्चर मैथ। गणित पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे कि सेकेंड ईयर का मैथ का जो सिलेबस है वो क्या है, और आपको क्या क्या पढ़ना है, और किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावना है। क्योंकि एक साधारण सी समझ होनी चाहिए किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, एक उसके बारे में एक रफ डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको करना क्या है। देखिए, हम देखते हैं तो ये आपके 12th क्लास के मैथ के बुक में, मैथ की आपकी दो बुक हैं एनसीईआरटी की, एक पार्ट वन और दूसरा पार्ट टू। दोनों पार्ट को मिला देते हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 13 चैप्टर होते हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन और दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये दो चैप्टर ऐसे हैं, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दोनों को मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स और 4th है डिटर्मिनेंट्स। तो ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स ये एलजेब्रा का पोर्शन है। ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरी जो इकाई है, ये यूनिट एलजेब्रा की यूनिट है। और इस दो यूनिट, इस एक यूनिट यानी इन दोनों चैप्टर को मिला के जो एक यूनिट बन रहा है, इस एक यूनिट से आपके 13 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड पेपरों में आने की संभावना होती है। तो कहने का मतलब ये एलजेब्रा का ये जो पोर्शन है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है जिसमें से आप 13 नंबर तो ऐसे ही गेन कर सकते हैं सिर्फ ये दो चैप्टर तैयार करके। अच्छे तरीके से यदि इसकी तैयारी करेंगे तो 13 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो पोर्शन है वो है हमारा सततता एवं अवकलनीयता, यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिबिलिटी। इसी का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डिफ्रेंशिबिलिटी में ये दो चैप्टर हैं। इसके अलावा अगला हम चैप्टर देखते हैं तो वो है समाकलन। फिर 8वां लेसन है समाकलनों के अनुप्रयोग और 9वां लेसन है अवकल समीकरण। तो आप देख रहे होंगे ये मैंने मार्क्स कर रखा है, लेसन नंबर 5 से लेकर के लेसन नंबर 9 तक। ये आपकी एक यूनिट है और ये यूनिट है कैलकुलस के पोर्शन की। ये जो पूरा पोर्शन है ये भी कैलकुलस का पोर्शन है और ये अपने आप में आप देख रहे होंगे कि 10 नंबर 13 नंबर से अधिक ये कैलकुलस के पोर्शन में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में आते हैं और लगभग 44 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं इस कैलकुलस के पोर्शन से आएंगे। अगला चैप्टर है सदिश एवं सदिशों का गुणन। फिर अगला पार्ट है त्रिविमीय ज्यामिति। ये दो छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको मिलाकर एक ये बहुत छोटा सा सिलेबस है आपके वेक्टर का, वेक्टर पोर्शन का। और ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में से आपके 17 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में आएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। ये चैप्टर जो है आप देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बहुत आसान है। यदि आपने फर्स्ट ईयर में लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व किया हुआ है, उस पर आपकी समझ, उस पर पकड़ अच्छी है, तो इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और 6 नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें तैयार हैं। फिर लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और इसमें से आपके 10 नंबर के प्रश्न जो हैं आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे टोटल मिला करके। अब ये अंकों का जो विभाजन है इनको हम टोटल करते हैं तो आपके 100 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड पेपर के तैयार होते हैं। टोटल आपका ये 100 नंबर का पेपर है। तो इन 100 नंबर में आप देखिए तो आपको यदि मेन फोकस करने की ज़रूरत है तो वो है कैलकुलस का पोर्शन। यदि आप सिर्फ कैलकुलस तैयार कर लेते हैं तो 44 मार्क्स तो आपके निश्चित हैं। और इस कैलकुलस के साथ ये एलजेब्रा का जो पोर्शन है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, इन दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका 13 नंबर तैयार हो गया। तो मेन जो है फोकस करने की आवश्यकता है आपको डिफ्रेंशिबिलिटी,
और इंटीग्रल दोनों, यानी कि ये कुल मिला करके 5 चैप्टर हैं, और इस 5 चैप्टर को मिला करके कैलकुलस पे फोकस करने की आवश्यकता है, उसके बाद एलजेब्रा। तो ये है हमारा सिलेबस। और कोरोना संक्रमण काल के समय में प्यारे बच्चों, सरकार के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं आपको, उनका पालन करिए। जो सावधानियां बरतने के लिए बताई जा रही हैं, उन सावधानियों को बरतें। घर में रहें, स्वस्थ रहें।